कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई है। जब कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी होगी तो थोड़ा बहुत विरोधियों की आलोचना करना उनका अधिकार है, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अपने बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल विपक्ष की आलोचना हुई है, बेबुनियाद तरीके से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। द ऑलमोस्ट रेकलेस क्रिटिसिज्म ऑफ द ऑपोजिशन फॉर आर्टिकुलेटिंग द इनफिशियंसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट, करप्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट इज ट्रूली सरप्राइजिंग। हमें मालूम हुआ कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने सच्चाई कही, शायद 42 लोगों ने कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार से सरकार की छवि बहुत गिरी हुई है। लेकिन सबसे आश्चर्य यह हुआ कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी दोनों ही सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ एज मेनी एज 40+ कांग्रेसमैन कन्वेइंग द डीप कंसर्न अबाउट द इमेज ऑफ दिस गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ प्राइस राइज एंड रैम्पेंट करप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड श्रीमती सोनिया गांधी बोथ ट्राइड टू रन अवे फ्रॉम द स्टार्क रियलिटी। मैंने कभी पहले कहा था, आज शायद उसको दोबारा कहना जरूरी है, टू लिव इन क्रॉनिक डिनायल इज द डीएनए ऑफ कांग्रेस। टू लिव इन क्रॉनिक डिनायल इज द डीएनए ऑफ कांग्रेस। सच्चाई से हमेशा दूर भागना कांग्रेस के डीएनए में। कल एक और शब्द सुनाई पड़ा जो बहुत दिन से नहीं चल रहा था, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। द अपोजिशन इज इंडल्जिंग इन टू कॉन्स्पिरेसी। पिछले कई वर्षों से भारत के राजनीति को देखने का मौका मिला है मुझे। थोड़ा हम कांग्रेस के मित्र को याद दिलाएंगे कि हमेशा यह थ्योरी फेल हो जाती है। 74 में जब जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था, जब जेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की बात की थी, मेरा सौभाग्य था कि मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने में, तो सोनिया जी और उनके जितने मित्र, देवकांत बरुआ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इंदिरा जी, यस, देवकांत बरुआ अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, जेपी इज द लीडर ऑफ ए कॉन्स्पिरेट ग्रुप ऑफ कॉन्स्पिरेटर्स, ये शब्द हमेशा सुनते थे हम। दूसरा यह शब्द सुनने को मौका मिला जब 87-88 में बोफोर्स निकला, तब भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कही जाती थी। आज फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सोनिया जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बहुत विनम्रता से आपको बताना है कि यह 2012 का भारत है, इट इज अ चेंज इंडिया, कम ऑन, लर्न टू फेस द रियलिटी। मैं उनसे आज कुछ सवाल पूछूंगा और उसका ईमानदारी से वो जवाब देंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। ये 2G घोटाले में क्या राजा भाजपा के आदमी थे? 1,76,000 करोड़ रुपए की लूट हुई, प्रधानमंत्री ने कार्रवाई नहीं किया, क्या भाजपा के कहने पर नहीं किया? श्री सुरेश कलमाड़ी क्या भाजपा और विपक्ष के और रामदेव बाबा और अन्ना हजारे की टीम के मेंबर थे? नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट श्रीमती शीला दीक्षित इन स्पाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द शुंगलू कमिटी। इज शी एसोसिएट विद बीजेपी? आदर्श स्कैम को फ्रस्ट्रेट किया, रोज नए नए स्कैम आते हैं। मुझे याद है कि जब मैं पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लिख रहा था मुंबई के वर्किंग कमेटी का, तो 2 बार छप करके मुझे बदलना पड़ा क्योंकि एक नया स्कैम आ गया था। लेटेस्ट वॉज द एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन स्कैम अबाउट दिल्ली एयरपोर्ट। 200 करोड़ प्लस एकर प्लस लैंड वॉज गिवन फॉर ए पार्टी रूप 6 करोड़। सोनिया जी, आपको प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाने पर बहुत आपत्ति है। इतनी बड़ी तादाद में लाखों करोड़ के घोटाले हों, प्रधानमंत्री के नाक के नीचे, और वो कार्रवाई न करें,
तो सोनिया जी हमें सलाह दीजिए, विपक्ष के रूप में क्या हम उनका अभिनंदन करें? मैडम सोनिया गांधी, काइंडली सजेस्ट टू अस डायरेक्टली अंडर द चेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, सम ऑफ द वर्स्ट स्कैम्स सिंस इंडिपेंडेंस हैपन विथ अलार्मिंग रेगुलरिटी, शुड वी फेलिसिटेट हिम एज द प्रिंसिपल अपोजिशन? दैट्स वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? सॉरी, इफ दैट इज वॉन्ट यू वॉन्ट टू डू, वी आर नॉट एट ऑल रेडी फॉर दैट. We owe a duty to the people of the country to continue to articulate it. हम देश के लोगों के प्रति जो हमारी जवाबदारी है उसका हम निर्वहन करते हैं जब हम ये विषय उठाते हैं. ये जो कोयला घोटाले पर बात हुई है, ये सीवीसी ने सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए कहा है. प्रकाश जावड़ेकर जी और हंसराज अहिर के आग्रह पर the sun chief vigilance commissioner has found it appropriate that the matter should be investigated. Main ek do baatein aaj is bare mein rakhna chahunga. Aapko malum hai ki pichle kai varshon mein pradhanmantri 3-4 varsh koila mantri rahe hain, kai baar 6 mahine ke liye phir aaye, phir ye unka lamba bahut kalkhand raha hai, shayad 2010 se ya 9 se दूसरे मंत्री हैं श्री प्रकाश जायसवाल. प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 अक्टूबर 2004 को 15th 10 2004 ए डिसीजन वॉज टेकन दैट नाउ द कोल ब्लॉक्स शैल बी एलोकेटेड विथ थ्रू द मीडियम ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग. मार्च अप्रैल 2005 में कैबिनेट नोट भी बन जाता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है पूरे 5 साल, और कोल का एलोकेशन होता रहता है. जब हमारी सरकार थी तो हमने एक कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था फॉर अमेंडमेंट. उसमें हमने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर को भी कोल ब्लॉक को कमर्शियली एक्सप्लॉयट करने का मौका मिलना चाहिए थ्रू ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पिटिटिव बिडिंग. वो विषय स्टैंडिंग कमिटी से अप्रूव करके 2004 से राज्यसभा में पेंडिंग है, कोई कार्रवाई अब नहीं करते. नाउ दिस बिल इज पास्ड फाइनली ऑन 26th of July 2010 एंड इट कम्स इन द गजेट ऑन 9th of September 2010. 9 सितंबर 2010 को यह गजेट हो जाता है. आपने आज तक रूल नहीं बनाया तो अक्टूबर 2004 में आप फैसला करते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग से अलॉकेट करेंगे, और आज तक आपने रूल नहीं बनाया. 2 साल के लगभग होने जा रहे हैं एक्ट को पास हुए, जबकि इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर भी कर सकते थे. आपको मालूम है कि भारत के कानून के अनुसार कोल माइन नेशनलाइजेशन एक्ट के मुताबिक यू कैन गिव टू ए प्राइवेट कंपनी ओनली फॉर कैप्टिव पर्पसेस पावर स्टील सीमेंट, और बाकी गवर्नमेंट कंपनी या सरकार के लोगों को मिलता है, एलसीटी बोर्ड बाकी को. मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं. टिल 2003 39 coal blocks were allocated. It can be 10, 5 here and there. This is the rough guess which I have. Till December 2011, 155 coal blocks were allocated. 155. Certain numbers are very surprising for me. Between 2005 to 2008, between 2005 to 2008, 134 coal blocks were allocated. And during most of this period, the Prime Minister was the coal minister. And when I see 2010, one block was allocated. 2011, two blocks were allocated. ठीक है? आप इतनी बड़ी संख्या में अलोकेट कर सकते हैं, आप कहेंगे बिजली के लिए किया, बट वॉट इज इंपॉर्टेंट इज ऑन द वन हैंड
यू आर सेइंग वी विल गो बाय कॉम्पिटिटिव बिडिंग, उसकी कार्रवाई जल्दी नहीं होती, और दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में 155 कोल ब्लॉक में से 134 कोल ब्लॉक अलॉट किए जाते हैं। देश में मुझे मालूम है, मेरे सामने देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि देश के बिजली उत्पादन में कमी आ रही है, आप भी जानते हैं समस्या है। आपने देखा होगा एनटीपीसी के चेयरमैन ने पब्लिकली कोल इंडिया के चेयरमैन को बिरेट किया है दैट वी आर नॉट बीइंग गिवन कोल ब्लॉक्स। देयर इज अ केस ऑफ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट एंड व्हाई नॉट द रोल ऑफ द पीएमओ बी इन्वेस्टिगेटेड, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर विच द सीवीसी हैज रिकमेंडेड अपॉन ए कंप्लेंट ऑफ टू बीजेपी एमपीज। On that, we are making false allegations, baseless allegations. I am sorry to say, Sonia ji, you have not done your homework well. शायद आपको 2G में भी यही बताया गया था, शायद आपको आदर्श में भी यही बताया गया था, शायद इसी प्रकार के शब्द आपने कॉमनवेल्थ के बारे में भी कहे थे। चिदंबरम साहब के खिलाफ रोज चर्चा होती है एयरसेल मैक्सिस डील में, हमने चर्चा किया है संसद के अंदर संसद के बाहर, 2G में भी उनकी चर्चा हुई है, उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनोसेंस मिलता है। तो बुरारी में पिछले साल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी हुई थी और एक साल के बाद पार्लियामेंट्री एनेक्सी में वर्किंग कमेटी हो रही है। तो इस एक साल की यात्रा में सोनिया जी आपने बुरारी में कहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, और एक साल के बाद विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और एक षड्यंत्र है। यह यात्रा है कांग्रेस के 2 कार्यकारिणी में बैठक की। मेरे एक मित्र ने एक वाक्य का प्रयोग किया, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार बहुत ईमानदारी से करती है। शायद मुझे लगा कि यह कड़ा शब्द था, लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये बताना बहुत जरूरी है। महंगाई के बारे में कोई चिंता नहीं, देश की आर्थिक स्थिति गिर रही है इसके बारे में कोई रोड मैप नहीं, इंडियाज इमेज हैज सफर इंटरनेशनल डेंट इसके बारे में कोई चर्चा नहीं, लेकिन खाली विपक्ष की चर्चा। अगर बाकी लोग काले धन की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो ये देश की बात है और हम उस पक्ष में हमेशा बोलते रहेंगे।